तुम लोग को भेज दें आता हूँ। चलो पन्ना बाबू, आप कब से इस तरह की राजनीति करने लगे, वो भी हमारे साथ? ये राजनीति नहीं है राजेश्वर जी, ये गरीब की अस्मिता की बात है। पन्ना बाबू, आप हमारे पुराने साथी हो, हैं? इस इलाके के लिए मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी, अपनी तरक्की का हिस्सा बराबर में बांटा है इन सबके साथ, तुम्हारे साथ। ठीक कहा, बिल्कुल सही कहा आपने, हिस्सेदारी तो बराबर की रही है, तो क्या आप अपनी बहु बेटी औलाद को कभी बांटेंगे हमारे साथ? क्या बात है पन्ना बाबू, तो ये हमसे अपेक्षा क्यों? भुवनेश्वर बाबू ने हमारे कस्बे की बेटी के साथ गनीमत मानिए कि मैंने आपको यहाँ बुला लिया, इन सब की मर्जी तो आपके हानि की थी। ए पन्ना, गांव की इज्जत का सवाल है, ज्यादा साहूकारी का बात मत कर। ये तो चुप कर। बलात्कार नहीं हुआ है, समझे ना? ऐसा हम जानते हैं, लड़की जानती है, लेकिन ये सब नहीं जानते। इलेक्शन करीब है, इसी बात का फायदा उठा रहे तू पन्ना, है ना? आप शहरी लोगों से ही सीखा है, इलेक्शन का फायदा क्या नुकसान क्या? अपना मुंह बंद रखने का क्या लेगा? जिस लड़की के साथ भुवनेश्वर बाबू के संबंध थे, वो लड़की आपके घर की बहू बनेगी।